हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर अंकित पांडे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है स्टेनम मेटेलिकम। स्टेनम मेट का जो कॉमन नेम है वो है टिन, और इसके प्रूवर हैं डॉक्टर हरमेन सर, और ये एक एलिमेंट है। स्फेयर ऑफ एक्शन की बात करें स्टेनम मेट के, तो इसका जो चीफ एक्शन है वो है ऑन द नर्वस सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स विच इज कॉजिंग डेबिलिटी एंड पैरालिसिस एंड ऑल्सो ऑन फीमेल जेनेटल ऑर्गन्स। स्टेनम मेट के फिजिकल जनरल्स के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी होती है कि पीपल हु हैव लॉन्ग बीन ग्रोइंग फेबल, मतलब लंबे समय में भी बहुत कम ग्रोथ होती है इनकी। थर्मल जो है वो चिली है और हॉट भी हो सकती है, मोस्टली मुझे चिली मिली है। मियाज जो होता है सोरा इन द बैकग्राउंड। और डायथेसिस की बात करें तो ट्यूबेकुलर डायथेसिस, मतलब टीबी होने की टेंडेंसी इनको ज़्यादा होती है। ये एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों हो सकते हैं, मतलब पेशेंट या तो आपको एक्सट्रोवर्ट मिलेगा या तो इंट्रोवर्टेड मिलेगा। गाइडिंग सिम्टम्स की बात करें स्टेनम मेट के, तो इसमें पहला पॉइंट आता है पेन बिगेंस लाइटली एंड इंक्रीजेज ग्रेजुअली टू द हाइएस्ट पॉइंट एंड द ग्रेजुअली डिक्लाइंस इन द सेम मैनर एज इट अपियर्ड। मतलब स्टार्टिंग में जो पेन है वो बहुत हल्का शुरू होता है और धीरे धीरे इंक्रीज होकर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, और उसी मैनर में धीरे धीरे ये पेन जाता है। तो ऐसा प्लेटिना और सिप्लाइनम में भी होता है। दूसरा पॉइंट है द ग्रेट डिबिलिटी एंड प्रोफाउंड वीकनेस इट मार्क्ड बोथ मेंटली एंड फिजिकली। मतलब ये मेंटली और फिजिकली दोनों इसमें वीकनेस और डिबिलिटी पाई जाती है। तीसरा पॉइंट है डिफिकल्ट स्पीच ड्यू टू वीकनेस ऑफ द चेस्ट एंड लंग्स। मतलब इनके चेस्ट और लंग में वीकनेस की वजह से इनको इस बोलने में डिफिकल्टी होती है। इसके बाद एक अच्छा पॉइंट है इम्पटी सिंकिंग ऑल गोन सेंसेशन इन चेस्ट एंड स्टमक। इनको ऐसा लगता है कि इनके चेस्ट और स्टमक में कुछ है ही नहीं, खाली खाली सा है। मेंटल जनरल्स के बारे में बात करें तो इसमें जो पहला पॉइंट आता है कि द पेशेंट इज़ वेरी मच सैड एंड डिसअपॉइंटेड। मतलब जो पेशेंट है स्टेनम मेट का वो बहुत ज़्यादा सैड होगा और डिसअपॉइंटेड होगा, मतलब अपनी ज़िंदगी से बहुत हताश निराश होगा। फीमेल पेशेंट की बात करें तो सी इज़ एनजियस वीक एंड इरिटेबल। बहुत ज़्यादा एनजियस मिल सकती है, वो वीक हो सकती है और इरिटेबिलिटी मिल सकती है उसके अंदर। इसके अलावा एनजाइटी एंड सैडनेस बिफोर मेंसेस, मतलब ये एक अच्छा पॉइंट मिल जाता है फीमेल में कि मेंसेस से पहले फीमेल के अंदर एंजाइटी एंड सैडनेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है द पेशेंट फील्स लाइक क्राइंग ऑल द टाइम बट क्राइंग मेक्स हर वर्स। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि पेशेंट को लगता है कि वो हर टाइम रोती रहे, बट रोने से उसकी जो प्रॉब्लम है वो कम नहीं होती है बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाती है। वेरी मच सेंसिटिव टू ओपिनियन ऑफ अदर्स, मतलब ये है कि ये सोचती है कि दूसरे इसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके लिए ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। द हैव लॉट्स ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं ये, और ये क्रिएटिविटी सेंसिटिविटी की वजह से आती है। नेक्स्ट पॉइंट है फील टू वीक डेथ इज नियर, मतलब इसको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है और जो इसकी मृत्यु है वो निकट है, इस तरह का इसमें फीलिंग आती है। अब हम बात करेंगे एलिमेंट्स फॉर्म की, तो इसमें आते हैं इमोशन, प्राइड, डेंटिशन, वार्म एंड ओवर यूजिंग वॉइस। इसमें एक नोट है स्वेट के बारे में, इसका जो पसीना होता है वो मॉल्डी मस्टी ऑडर, मतलब बैड स्मेल होता है बॉडी से बहुत ज़्यादा आती है। आफ्टर 4 AM एवरी मॉर्निंग, मतलब सुबह में 4 AM पर सबसे ज़्यादा पसीना आता है और सबसे ज़्यादा नेक और फोरहेड पर पसीना आता है। और एक दूसरा नोट है जो मेंसेस के बारे में है, टू ईयरली टू प्रोफ्यूज सैडनेस बिफोर मेंसेस देखने को मिलेगा, और पेन इन मलर बोन्स, जो चिक्स के बोन है उनमें पेन आपको देखने को मिलेगा मेंसेस टाइम ड्यूरिंग मेंसेस। स्टेनम मेट के कफ और चेस्ट के बारे में बात करें तो जो चेस्ट है इसमें ग्रेट वीकनेस इन चेस्ट देखने को मिलेगा, एग्रावेशन फ्रॉम टॉकिंग, लाफिंग, रीडिंग अलाउड, सिंगिंग ये देखने को मिलेगी, और चेस्ट बहुत ज़्यादा वीक है।
तो इसकी वजह से अनेबल टू टॉक देखने को मिलेगा, मतलब उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होगी चेस्ट में वीकनेस की वजह से। कफ के बारे में बात करें तो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट इज प्रीडोमिनेंटली अफेक्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा और सबसे पहले लेफ्ट साइड का जो चेस्ट है वो अफेक्ट होगा, और इसमें पैरोसिजम्स ऑफ 3 कफ देखने को मिलेगा। कफ ड्राई होगा और सबसे ज़्यादा तब होगा वाइल इन बेड इन इवनिंग, मतलब जब वो रात में बिस्तर पे जाएंगे सोने, या फिर इवनिंग में सबसे ज़्यादा कफ होता है। एम्प्टी सेंसेशन इन चेस्ट देखने को मिलेगा। एक्सपेक्टोरेशन की बात करें तो प्रोफ्यूज लाइक वाइट ऑफ एन एग, वाइटिस और साल्टी देखने को मिलेगा। हॉर्सनेस की बात करें तो डीप हस्की हॉलो वॉइस इनमें मिलेगी, और इसमें रिलीफ फ्रॉम द टाइम बाई कफिंग, खांसते टाइम हॉर्सनेस से आराम मिलेगा। एंड एक्सपेक्टोरेटिंग म्यूकस, मतलब जब ये म्यूकस बाहर निकल जाएगा तब इनको हॉर्सनेस में आराम मिलेगा। अब हम इसके जीआईटी सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है नौजिया एंड वॉमिटिंग के बारे में। इनको सुबह में इन द मॉर्निंग एंड फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, जो खाने की महक होती है, जो खाना बनता है तब उसकी जो महक होती है उससे इनको नौजिया और वॉमिटिंग हो सकती है। ऐसा आर्सेनिक और कॉल्जिकम में भी देखने को मिलता है। इनको एब्डोमेन में कॉलिक पेन होता है जिसमें एम्बुलेशन बाई हार्ट प्रेशर बहुत तेज़ी से दबाने पर एब्डोमेन पर कोलिक में आराम होता है, और बाइंग लाइंग एब्डोमेन अक्रॉस नी और शोल्डर, मतलब घुटने को और शोल्डर को एब्डोमेन की तरफ सिकोड़ कर लेटने से इनको कोलिक पेन में आराम मिलता है। अब हम मॉडलिटीज़ के बारे में बात करें तो इसमें पहला पॉइंट है एग्रावेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाई लाफिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, यूजिंग द वॉइस, लाइंग ऑन राइट साइड एंड ड्रिंकिंग एनीथिंग वार्म, इन सब चीज़ों से एग्रावेशन होता है। और एम्बुलेशन की बात करें तो कफिंग और एक्सपेक्टोरेटिंग रिलीफ हॉर्सनेस, मतलब हॉर्सनेस में कफिंग से एंड एक्सपेक्टोरेटिंग से आराम मिलता है, एंड हार्ट प्रेशर से कोलिक पेन में आराम मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा टॉपिक स्टेनम मेटेलिकम। ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।